हैं और देखते हैं कि डीसी में क्या रीडिंग आता है, फोन हमारा ऑन होता है कि नहीं होता है गाइस। तो मैंने पावर की प्रेस किया और ये देख सकते हैं फोन हमारा ऑन हो चुका है गाइस। अब देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ गाइस। तो ये गाइस ये देख सकते हैं गाइस कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, जो हमारा नो ग्राफिक्स नो लाइट आ रहा था, तो एक जम्पर में हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है गाइस। अब तो आप देख सकते हैं हेलो पे गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है गाइस, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये रियलमी का एक्स मॉडल है जिसमें नो ग्राफिक्स नो लाइट आ रहा है, क्योंकि जब पहले ग्राफिक्स नहीं आएगा तो लाइट भी नहीं आएगा। आई होप तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि मैं अभी अभी मैंने डीसी से लगाया हुआ है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। अभी मैंने पावर की को प्रेस नहीं किया है, अभी मैं पावर की प्रेस करूंगा और दिखाऊंगा आपको। और मैं यहाँ पे पत्ता भी दिखा दूँ गाइस कि यहाँ पे सारे पत्ते यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लगे हुए हैं गाइस। जैसा कि आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, सारे पत्ते यहाँ पे लगे हुए हैं, डिस्प्ले के भी लगा हुआ है, सारे पत्ते यहाँ पे लगे हुए हैं गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई फेक वीडियो है और यहाँ पे मैं फेक क्यों बनाऊंगा आपको। आई होप इंडलेस सोल्यूशन देने वाला हूँ गाइस। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलिए मैं पावर की को प्रेस करता हूँ और देखता हूँ हमारा फोन ऑन होता है कि नहीं होता है गाइस। तो गाइस हमने पावर की प्रेस किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। और मैं आपको यहाँ पे डीसी में दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये बूट होने लगा, फोन हमारा ये बूट मोड पे है, ऑन हो चुका है गाइस। प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ग्राफिक्स और कोई भी लाइट नहीं आ रहा गाइस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे ना कोई ग्राफिक्स आ रहा है, ना यहाँ पे कोई लाइट बन रहा गाइस। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ना कोई ग्राफिक्स, ना यहाँ पे लाइट। और यहाँ मेरे चालू हुई रीडिंग है गाइस, ये देख सकते हैं फोन हमारा प्रॉपर ऑन हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे नो ग्राफिक्स नो लाइट का प्रॉब्लम है, तो हम इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, आपको फुल इंडलेस सोल्यूशन देने वाला हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आप वन जम्पर में काम हो गया है, पर जम्पर में काम तो हो गया है, पर वो क्यों काम हुआ है, कैसे काम हुआ है, ये देख सकते हैं फोन हमारा प्रॉपर ऑन है गाइस। तो हम यहाँ पे इसको फुल डिटेल करेंगे, फुल डिटेल में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस फटाफट हम इसके सारे सप्लाई को बता देते हैं। और लास्ट में जो आपने देखा है गाइस कि एंडलेस जो सोल्यूशन है इसका, जैसे कि आपने प्रॉब्लम को देखा गाइस, तो पहले आप उनको सप्लाइयों को जान लीजिए कि सप्लाइया कहाँ से होती है, कैसी होती है सारा सप्लाई। जो आपने देखा है कि एक जंपर में सोल्यूशन, वो सही है बात, पर वो जंपर हमने क्यों मारा है, क्यों मारना है और कैसे, क्या फाइंड आउट करना है, क्या उसका सोल्यूशन है गाइस, तो वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ गाइस। तो चलिए फटाफट मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। अगर ये वीडियो आपको सही लगेगी तो कमेंट करके गाइस जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। फिलहाल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे गाइस। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं गाइस, जैसे कि हमने थंबनेल में लिखा हुआ है कि LCD नो ग्राफिक्स नो लाइट, नो ग्राफिक्स नो लाइट। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं आपको सारा सप्लाइयों के बारे में, क्योंकि पहले अगर ग्राफिक्स नहीं आएगी तो गाइस लाइट भी नहीं आएगा, जो आपको नहीं दिखाई देगा गाइस। तो जैसा कि आपको हमने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफिक्स नहीं आएगी तो लाइट भी नहीं आएगी गाइज। तो यहाँ पे हमने पहले सबसे पहले ग्राफिक्स लाइन को चेक करना है। तो ग्राफिक्स लाइन को आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे ये जो नीचे हमारी दिख रही है, ये सारी जो हमारी लाइनें दिख रही हैं, हमारी मीपी की लाइन है। तो ओवरऑल आपको सारे इसमें आपको चेक करना है। मैंने जब चेक किया, जब भी मीपी की लाइन मैंने चेक की, तो सारे मीपी की लाइन पे रीडिंग आ रही थी गाइज। तो जैसा कि हमने आपकी वीडियो में भी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकल तौर से भी दिखाऊंगा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो ये देख सकते हैं ये सारी मीपी की लाइन है, ये जो आप नीचे का रो है, ये कनेक्टर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस कनेक्टर को नीचे जितनी आपकी यहाँ पे डॉट दिखाई दे रहा है, ब्लू जो भी कलर्स दिखाई दे रही है मीपी की लाइन, इन सारों पे आपको रीडिंग आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो भी हमारा ग्राफिक्स जनरेट नहीं होगा। अब बात करते हैं मेन सप्लाईओ के बारे में गाइस। तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3, ऊपर से आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 नंबर की पिन, ये हमारी VDD की लाइन है गाइस। तो ये हमारी VDD की लाइन है। तो जब हमने यहाँ पे देखा 4 7 और 11 12, ये सो पिनों में मैंने देखा, तो देखा थी सारे में रीडिंग आ रही थी गाइस। जब मैंने वहाँ पे चेक किया तो सारों में रीडिंग आ रही थी। फिर जब मैंने ऑन किया गाइस, ऑन करने के बाद देखा कि वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जब हमने देखा कि यहाँ पे जब हमारी ये आप देख सकते हैं 7 नंबर की पिन, ये हमारी 1.8, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं VREG की लाइन, यहाँ पे रीडिंग तो आ रही थी पर यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा था गाइस, कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा था। जब हमने यहाँ पे VDD को देखा, VDD में यहाँ पे गए तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे LDO लगा है, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल तौर से भी दिखाऊंगा कि क्या चीजें हैं। तो ये LDO था, LDO भी अगर प्रॉब्लम होगा, LDO अगर अपना आउटपुट नहीं निकालेगा गाइस, तो भी हमारा यहाँ पे ग्राफिक्स नहीं आएगा। तो ये LDO लगा है, ये इसका इनपुट है, ये इसका EN है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
नहीं आ पा रहा। ये हमारा इनपुट है एलडीओ का, ये हमारा ईएन है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये दोनों ही दोनों पावर से आ रहे हैं गाइस। और आप यहाँ देख सकते हैं इसका आउटपुट, तो ये मैंने जब चेक किया आउटपुट में कैपेसिटर और यहाँ पे कॉयल लगा हुआ है, फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये सीधा और सीधा जा रहा था 4 नंबर के पिन पे। तो जब हमने देखा यहाँ पे गाइस, तो ये चार नंबर का पिन इससे बीप आ रहा था। यहाँ से हमने जब कंटिन्यूटी लिया तो यहाँ पे देखा तो ये बीप आ रहा था गाइस। फिर जब मैंने यहाँ पे वीआरईजी की लाइन जब देखा, वीआरईजी की जब लाइन हमने देखा गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा पीएम लगा हुआ है, इस पीएम के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर है गाइस। ये कैपेसिटर आप देख सकते हैं, तो ये कैपेसिटर पे बीप नहीं आ रहा था गाइस। जब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे रखा और यहाँ पे जब कंटिन्यूटी ली, तो यहाँ पे बीप नहीं आ रहा था। यहाँ पे रीडिंग तो आ रहा था गाइस, पर यहाँ पे बीप नहीं आ रहा था। तो फिर इसका सोल्यूशन हमने यही किया गाइस कि एक जम्पर यहाँ से उठा करके और एक जम्पर हमने यहाँ पे मार दिया, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया गाइस। तो सारा कुछ आपको चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे हमारी टेयरिंग और रिसेट की भी लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेट और टेयरिंग के भी हमारी रीडिंग नहीं आएगी, तो ये जो रिसेट और टेयरिंग है की लाइन है, ये आ रही है गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हो सीपीयू से आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर देता हूँ। ये देखिए सारी हमारे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप अगर रिसेट और टेयरिंग की लाइन है, क्योंकि फुल वीडियो है गाइज, ऐसा नहीं है कि कोई भी फेक वीडियो है। तो रिसेट और टेयरिंग की लाइन आप देख सकते हैं सीधा और सीधा सीपीयू से आ रहा है, कोई भी उसके बीच में कॉम्पोनेंट नहीं लगा है। पर अगर मीपी की बात करें, तो मीपी में आपको कॉयल और रजिस्टर देखने को मिल जाते हैं गाइज, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सारा कुछ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसके कनेक्टर्स हैं सीपीयू के पास, ये आपको अगर दिखाई दे रहा है। तो ये अगर आपकी मीपी की लाइन मिस हो जाती है, तो आप यहाँ पे इसको कोल्ड टेस्टिंग करके फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी टीयरिंग और रिसेट की लाइन में कोई भी कॉम्प्लेंट नहीं लगा है, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश की है। तो इसका लास्ट फाइनली सोल्यूशन यही था गाइस कि यहाँ पे जब हमने यहाँ पे उठा करके इस वाले कैपेसिटर से इस वाले पिन पे जम्पर दिया, 1.8 जैसे वोल्टेज आया, तो हमारा सेक्शन एक्टिव हो गया। तो जब सेक्शन एक्टिव हो गया, जैसे ही ग्राफिक्स आ गया, तो हमारा लाइट भी आ गया गाइस। तो लाइट की पिन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइट की पिन आपको 1, 2, 3 और 4 नंबर पे, और ये 5 नंबर पे हमारा जीआर आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये सप्लाई जो हमारी जा रही है सीधा और सीधा, यहाँ पे एक लाइट सेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। ये लाइट सेक्शन यहाँ पे पावर से आ रहा है इसको, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो पावर से यहाँ पे बीपीएच बन रहा है। बीपीएच से आप देख सकते हैं ये इनपुट है, ये बूस्ट कॉइल है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये हमारा इनपुट लाइन है और ये हमारी आउटपुट लाइन है गाइस, जैसा कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा आउटपुट की लाइन है, एक आउटपुट और ये दो आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट का है ये हमारा। तो सारा कुछ ही बेसिकली आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर आपका ग्राफिक्स आने के बाद लाइट नहीं आ रहा है, तो इस सेक्शन से भी आप प्रॉब्लम को देख सकते हैं। तो फिलहाल हमारा ग्राफिक्स से ही प्रॉब्लम था, और ग्राफिक्स जैसे ही सही हुआ तो वहाँ पे भी लाइट आ गया। तो चलिए अब हम बोर्ड में आपको दिखा देते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, और प्रैक्टिकली तौर से वो काम कर रहा है कि नहीं। जैसा कि आपने वहां पे शुरू में देखा था नहीं आ रहा था गाइस, तो अब देखते हैं कि वहां पे काम हुआ कि नहीं गाइस। तो चलिए फटाफट वीडियो को हम आपको दिखा देते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने सारी सप्लाईयों को हमने बता दिया, तो जब हमने सारी सप्लाईयों को जब डायग्नोज किया गाइस, तो मीपी की लाइन सारी लाइन हमने जब चेक किया, तो देखा जो हमारी VREG 1.8 की लाइन है गाइस, तो वो हमारा रीडिंग तो आ रहा था 7 नंबर की पिन पे। मैं बताऊँ आपको, जैसा कि मैंने आपको पूरा डायग्राम पे बताया हुआ है, जो 1.8 ये जो हमारा कनेक्टर है 7 नंबर की पिन गाइस, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा दूँ, तो यहाँ पे रीडिंग तो आ रहा था, बस गाइस यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप आएंगे यहाँ पे, तो एलडीओ भी लगा हुआ है, जो हमारा VDD का एलडीओ है गाइस, जो कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है 4 नंबर पिन का, जो हमारा ये एलडीओ है। तो गाइस ये एलडीओ भी हमने दिखा दिया, सब कुछ आपको मैंने वीडियो में, जो इससे पहले आपने वीडियो देखा है, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ ट्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। तो जब हमने इसको फाइंड आउट किया गाइस, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 नंबर की जो पिन है गाइस, ये देख सकते हैं 7 नंबर की जो पिन है, यहाँ पे रीडिंग तो आ रही थी पर वोल्टेज नहीं बन रहा था। तो हमने फिर क्या किया गाइस कि यहाँ पे जो ये कैपेसिटर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे मैं आपको कैपेसिटर दिखाने की बात करूँ, 3 कैपेसिटर लगे हैं, बीच वाला जो कैपेसिटर है, तो जो हमने ट्रेस किया हुआ था, जैसा कि आपको मैंने वीडियो में दिखाया होगा, तो ये हमारा 1.8 VREG वाला कैपेसिटर था, तो जो वहाँ तक बीप नहीं दे रहा था। तो जब हमने देखा बीप नहीं दे रहा था, तो गाइज तो मैंने एक जंपर उठा के यहाँ पे जंपर मारा और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया गाइज। तो ये आपको मैं अभी दिखाऊंगा लास्ट एंड पे कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। बाकी फुल ट्रेसिंग मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है गाइज कि कैसे चेक कर सकते हैं, सारा कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। देख सकते हैं एक जंपर उठाकर वहां पे मारा, और जैसे जंपर हमने दिया, तो ये फोन हमारा जॉब डन हो गया गाइस। तो सारी सप्लाई मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, ये जो सोल्यूशन मैंने यहाँ पे किया सारा आपको बताया, ऐसा नहीं गाइस कि एक जंपर मार दो और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप जंपर मारते क्यों हैं, उसका एक रीज़न होना चाहिए। तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, जंपर हमने क्यों मारा है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा था। VREG का जो हमारी सप्लाई थी, वो वोल्टेज नहीं आ रही थी, जो रीडिंग आ रहा था वो फेक रीडिंग आ रहा था, पर वहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं
नहीं बन रहा था। तो वोल्टेज सब कुछ आपको चेक करना है, जैसा कि मैंने वीडियो के डिटेलिंग में आपको बता दिया गाइस। अगर थोड़ा सा और जूम होता है तो मैं आपको यहाँ पे जूम करने की कोशिश करता हूँ, दिखाने की कोशिश। चलिए तो यहाँ पे जूम नहीं हो रहा है। अब फाइनली मैं यहाँ पे फ़ोन ऑन करके दिखाऊंगा गाइस कि हमारा ये फ़ोन ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो फ़ोन में आप लास्ट दिन तक देखिएगा, ये LDO लगा हुआ है, जैसे कि आपको अगर LDO भी थोड़ा सा जूम होकर दिख जाए तो मैं आपको यहाँ पे LDO को भी दिखा देता हूँ। तो ये LDO आपको नहीं दिख रहा है गाइस, पर फिलहाल वहाँ पर लगा हुआ है LDO। तो LDO को भी हमने सारा कुछ यहाँ पे जब डायग्नोस किया तो सब कुछ सही था और सब सारी सप्लाइयाँ ओके थी गाइस। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी चलिए ठीक है। ये आपको ट्रिक, ये आपको सोल्यूशन अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए फटाफट आपको चालू करके दिखाते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो गाइस ये वही फ़ोन है जैसा कि आपको हमने दिखाया, ये सोल्यूशन आपको दिखाया था, मैंने जूम करके भी दिखाया हुआ है, एंडलेस सोल्यूशन बताया। तो गाइस अब ये फ़ोन मैंने देखिए DC पे लगा दिया है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको DC पे दिखाया हुआ था। अब इसकी पावर की को हम प्रेस करते हैं और देखते हैं कि DC में क्या रीडिंग आता है, फ़ोन हमारा ऑन होता है कि नहीं होता है गाइस। तो मैंने पावर की प्रेस किया और ये देख सकते हैं फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है गाइस। अब देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ गाइस। तो ये गाइस ये देख सकते हैं गाइस कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, जो हमारा नो ग्राफिक्स नो लाइट आ रहा था, तो एक जंपर में हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है गाइस। अब तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रियलमी और यहाँ पे ग्राफिक्स और लाइट दोनों ही आ गया है गाइस। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो ये देख सकते हैं जैसा कि हमने आपको दिखाया, पहले भी आपको दिखाया था यहाँ पे नो ग्राफिक्स नो लाइट यहाँ पे आ रहा था गाइस, और यहाँ पे हमारा ये देखिए प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। ये देख सकते हैं जैसे कि हमने थंबनेल में बताया था गाइस कि यहाँ पे आप वन जंपर में, तो वाकई में वन जंपर था, पर हमने आपको फुल डिटेल के साथ ये वीडियो बनाई थी। तो आपने देखा कि यहाँ पे जॉब डन हो चुका है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।